नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बसपा प्रमुख मायावती ने आज अपना 67वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मायावती ने मेरे संघर्षमय जीवन और बसपा मूवमेंट का सफरनामा भाग 18 हिंदी और अंग्रेजी पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो ने कई मुद्दों पर अपना रुख भी स्पष्ट कर दिया। मायावती ने आज साफ कर दिया है कि आगे आने वाले सभी चुनावों में बीएसपी अब किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। इस बात का ऐलान पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। इस दौरान बहन जी ने इस बड़े कदम की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी से गठबंधन का गलत प्रचार करने लगी है। उन्होंने कहा, 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे, बीएसपी सभी चुनाव अकेले लड़ेगी और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी। इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने क्या कुछ कहा, पहले वो हम आपको सुनवाते हैं। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत बीएसपी से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है। जबकि बीएसपी बनी है, 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था। उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुआ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। जो पुराने नेता गड़बड़ हैं, हम लोग तो जिनको किनारे कर देते हैं उनको लेते नहीं है हम। और अब दूसरी पार्टियों के पास नेताओं की कमी है तो जो बीएसपी के जो निकाले हुए लोग हैं, चाहे तो कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी, वो उनको लेकर घूमते रहते। तो सुना आपने, इस दौरान बीएसपी प्रमुख मायावती ने कई बातें इस दौरान रखी हैं और कई सवाल भी खड़े किए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना भी साधती नजर आई बीएसपी प्रमुख, और ये उन्होंने साफ कर दिया है कि अब आने वाले सभी चुनावों में बहुजन समाजवादी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और चुनाव लड़ेगी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कंचन द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमवीर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहला तो कंचन द्विवेदी जी आपका ही रुख करेंगे। अभी कुछ देर में हमारे साथ बीएसपी के नेता भी जुड़ेंगे, तब उनसे भी सवाल पूछेंगे कि आखिर उनके मुखिया ये बड़ा कदम उठा रही हैं, क्या देख रही हैं, क्या नजारा है, और आरोप भी लगाए हैं आप पर। आरोप ये है कि दरअसल ये जो निवेशकों के नाम पर नाटकबाजी की जा रही है, बीजेपी की सरकार में महंगाई बढ़ रही है, और अब तो ईवीएम पर भी बहन जी ने सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक देखिए, जब से ईवीएम आ गई है तब से इनका वोट बैंक हो चाहे इनकी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं नीचे चली जा रही है। जब तक बैलेट पेपर से मतदान होता रहा है पार्टी को फायदा होता रहा है,
कंचन जी, बड़े सवाल हैं आप पर अब तो। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप बोलिए। मैं कह रही हूँ कि जो अभी मैंने आपके चलाए हुए बयान को सुना मायावती जी के, तो वो इस शंका में है, वो इस संदेह में है कि उनको लग रहा है कि ईवीएम के वजह से ये खराबी हो गई है। बैलेट पेपर में जब तक होता था तब तक उनकी चीजें अच्छी होती थी, लेकिन मैं कहूंगी कि वो बहुत ही ज्यादा भ्रम में है। वो अपने भ्रम से निकल करके बाहर आए, क्योंकि ये कार्य जो उनकी वोट बैंक कम हुई है, वो वोट परसेंटेज कम हुआ है, उसका कारण बैलेट पेपर या फिर उसका कारण ईवीएम नहीं है। उसका कारण केवल इतना है कि मायावती जी ने लोगों पर ध्यान देना खत्म कर दिया, काम करना खत्म कर दिया। जब से उन्होंने नोटों की माला पहनना शुरू कर दी, तब से लोगों का कटना शुरू हो गया। उनका वोट बैंक कहाँ पहुंचा है, किस स्तर पर उनका वोट का नजरिया और वोट की जो एक परसेंटेज है वो पहुंची है, वो उनको इस नजरिए से देखनी चाहिए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि गड़बड़ी उनमें ही है, गड़बड़ी बैलेट पेपर में नहीं थी, गड़बड़ी ईवीएम में भी नहीं है। मुझे लगता है बैलेट पेपर से भी ज्यादा ईमानदारी के साथ ईवीएम में सारी चीजें बहुत विधान के साथ में बहुत आधुनिक तरीके से हो रही है। इसकी ईवीएम को दोष ना दे करके मैं कहूंगी कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर हमारी बहन जी की पार्टी हो, उन सबके लिए मैं कहूंगी कि ये देखना चाहिए कि किन चीजों की वजह से हमारे वोट बैंक वोट परसेंटेज कम हो रहा है, ना कि किसी और पर। ईवीएम पर आप भरोसा कर लेते हैं कि नहीं ईवीएम खराब ही होगी इसलिए वोट बैंक खराब हो गया। एक बार अपने आप को जरा देखना चाहिए, जरा परखना चाहिए, कहीं हम में भी तो गड़बड़ी नहीं है ना, जिस वजह से ये वोट परसेंटेज कम हो रहा है। इसलिए मैं मायावती जी की बात से इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ क्योंकि वो बोल रही है। बाकी उनकी जो परेशानियां हैं, वो ये जो कह रही है कि कोई भी उनके साथ में ना लड़े या फिर कोई राजनीति कर रहा है कांग्रेस का, जैसा उन्होंने नाम लिया, उनको मिलाने के लिए वो अकेले लड़ती है या फिर वो किसी के साथ लड़ती है, उनकी पार्टी का व्यक्तिगत फैसला है, वो कैसे लड़ती है उनका निर्णय है। और वो किस प्रकार से लड़ी, कभी कभी जब लोगों से मिलकर के तब क्या हुआ, और वो अकेले लड़ी तब क्या हुआ, दोनों ही प्रभाव उनको अपने मालूम है। इसलिए ये उनका पर्सनल निर्णय होगा कि वो अपनी पार्टी को कैसे आगे ले जाएंगी। बाकी मुझे तो कुछ दिखाई समझ में नहीं आता। बिल्कुल विनय सिंह जी, आप लोग भी साथ में आए थे, हालांकि आरोप प्रत्यारोप भी लगा जब नतीजे सामने आए, एक दूसरे पर आप दोनों लोगों ने आरोप लगाया कि वोट बैंक जो था वो ट्रांसफर नहीं हो पाया। अब तो बहन जी ने साफ कर दिया है, उनका स्टैंड क्लियर है। समाजवादी पार्टी हालांकि गठबंधन को लेकर के लगातार सक्रिय नजर आती है और छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाकर चुनाव लड़ने की बात कहती रही है, और वो देखने को भी मिला है। लेकिन एक जगह अब बहन जी आपके साथ भी कंधे से कंधा मिलाती खड़ी नजर आ रही हैं, वो है ईवीएम। ईवीएम पर आप भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और ईवीएम पर अब बहन जी ने भी पुरजोर तरीके से सवाल उठाया है। और जो बहन जी ने कहा है कि उनके नेताओं, लोगों के यहाँ नेताओं की कमी है, इसलिए उनके यहाँ से नेता निकाले हुए नेता लोग अपनी पार्टियों में ले आते हैं। ईवीएम से जितना भी चुनाव हुआ है और बैलेट पेपर से जितना चुनाव आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से हुए चुनाव में हमेशा पीछे रह जाती है। पंचायत चुनाव हुआ है उसको भी आप लोगों ने देखा है, जितने भी चुनाव मतलब हुए हैं बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर सारी पार्टियां कहती है बैलेट पेपर से, तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बहन जी को ये चीज नहीं भूलना चाहिए, कहीं ना कहीं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक मूवमेंट था, उसको कहीं ना कहीं उससे वो जो उनका ध्यान जो है भटक रहा था, तो जो उनके पार्टी में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम पार्टियों से जहां भी उनको लगा, अब समाजवादी पार्टी में भी मान लीजिए जैसे कि कुछ बहुजन समाज पार्टी, तो कहीं ना कहीं उस मूवमेंट के लिए लड़ने के लिए लोग शामिल हुए, क्योंकि बहन जी कहीं ना कहीं उस मूवमेंट से पीछे हट गई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का समय समय पर अपमान किया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण था उस पर कुठाराघात किया है, बराबर करते रह रही है,
तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर रहा है कि दलित समाज, पिछड़े समाज, जो वंचित समाज, उनके साथ जो है जो भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है उसको न्याय दिलाने के लिए सभी लोग समाजवादी पार्टी से लगातार जुड़ते रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूवमेंट कंचन जी आ रहे हैं आपके पास आएंगे। कंचन जी रुक जाइए आते हैं आपके पास, आते हैं। एक कमेंट बीच में जरूर बोलती है। नहीं बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये सबने देखा, कहीं किसी से छुपा नहीं है। कतई नहीं चाहती है कि ये, चूंकि अडानी अंबानी के ये लोग मित्र है, यह जो चाहेंगे ही नहीं कि गरीब जो वंचित समाज है कहीं ना कहीं आगे बढ़े, इसलिए चलिए ठीक, बाबा साहब का मूवमेंट जो है पीछे रहे। जी ठीक 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 परमवीर जी, आज ये बहन जी का जन्मदिन भी था और ये बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है, क्या सोच समझ करके रणनीति बीएसपी बनाई होगी? क्योंकि जो सच है, ये बात तो कहा जा रहा है, वो चाहे कंचन जी हों और चाहे हमारे साथ विनय सिंह जी जुड़े हुए हैं, दोनों लोगों ने कही और ये वास्तविकता में है कि बहन जी कहीं ना कहीं से जनता से कटती नजर आई हैं। मैंने तो देखा ही नहीं उन्हें कि अब वो जनता के बीच में कब जा रही हैं या जनता के बीच में जनता की समस्याओं को वो उठा रही हों पुरजोर तरीके से, या बीएसपी के नेता ही सड़कों पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं, कभी नहीं आते हैं अब तो ऐसे में अब बीएसपी इन आरोपों को लेकर के जो चल रही है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे तो बीएसपी मजबूत होगी, क्या ये सच है क्या? और अगर ये बीएसपी ने कदम उठाया है कि अब आने वाले समय में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी, तो क्या रणनीति समझी जाए इसको लेकर? देखिए, मैं यहाँ पर एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो बहन जी को भारतीय राजनीति कहेंगे और यूपी की खासकर की राजनीति कहेंगे, उसकी वो एक पुरानी योद्धा रही है, उनको इस राजनीति की नवज बहुत अच्छे से मालूम है। अब यूपी में मुलायम सिंह जी के जाने के बाद केवल एक मायावती जी ही रह गई है जो यूपी के अंदर है, बाकी नेता सेंटर में आ चुके हैं, जो इतनी पुरानी और यूपी की नवज को जानती है। बैलेट पेपर का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाए, ये एक री एंट्री करने का पॉलिटिकल एरिना से पहले, जैसे पहलवान आते हैं ना, वो थपकी मार कर आते हैं, तो वो तरीका है। ये बातें सिद्ध हो चुकी हैं कि ईवीएम में गड़बड़ तो कहीं नहीं है था। देखिए, इतने चुनाव होते हैं, अभी बाय इलेक्शन हुआ, खतौली का बाय इलेक्शन हुआ, यहाँ पर जीत जाते हैं, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जीतती है, तो बाकी ऐसा ईवीएम के ऊपर तो देखिए जनता को तो कोई सुख सुबह रहा नहीं मेरे हिसाब से, मैक्सिमम जनता को, नेताओं के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट है, वो बार बार इसको अजमाते रहेंगे, खेलते रहेंगे। अब रही मायावती जी की बात, जो मायावती री एंटर कर रही है, देखिए मायावती जी को कमजोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सभी बड़ी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो या और कांग्रेस पार्टी भी हो, मायावती जी को कम नहीं आता जा सकता है। मायावती जी की पॉलिटिक्स जिस तरीके से वो करती हैं उसको समझने में टाइम लगेगा। देखिए, मायावती जी क्यों बाहर हुई थी और क्यों अंदर आ रही है, इसे समझना पड़ेगा। आज इसको समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे जाइए, 80s के अंत में और 90s में जाइए, जब मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति चरम पर चलती थी। और अभी शरद यादव जी का जो देहांत हुआ है, उन्होंने ही इस क्रम को दिया था, मंडल वर्सेस कमंडल। राम मंदिर मूवमेंट पूरे उफान पर था और जगह जगह देश भर में राम मंदिर के पीछे और भाजपा के पीछे जनता लग रही थी। तो वही दौर अभी आप 10 साल से देख रहे हैं, 2014 के बाद से लगातार केंद्र में भी सरकार है भाजपा की और बाकी स्टेट में भाजपा की सरकार है, और मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, काम अच्छा कर रहे हैं, तो उसको काटने के लिए अभी देखिए सरकार के ऊपर कोई भी आरोप भ्रष्टाचार करने लग पाता है। राफेल का मुद्दा उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच हुई, कुछ नहीं पाया गया। नोटबंदी को उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच हुई, कुछ नहीं पाया गया। तो अभी ले देकर अगर आपको दोबारा से भाजपा को घेरना है तो आपको यही पुरानी स्ट्रेटेजी होती है मंडल वर्सेस कमंडल वाली, कि आप छोटी छोटी हिंदुत्व, मतलब जो अभी इस समय क्या है, हिंदुत्व जुड़ी हुई है, आप उसको हिंदुत्व को तोड़ने के लिए आपको जाती है। लेकिन अगर हम देखें बीजेपी के सामने तो समाजवादी पार्टी स्टैंड करती नजर आ रही है, बीएसपी तो 93 के बाद से सबसे निचले, यानी जो सबसे निचला स्तर था वो 93 में था वोट फीसदी का, और अब उसके बाद से 22 में चली गई बीएसपी। तो बीएसपी आप कह रहे हैं कि मायावती बहुत मंझी हुई खिलाड़ी हैं, वो अब अखाड़े में एंट्री कर रही हैं, तो
तो किस तरीके से वे एंट्री करेंगे? क्या घर में बैठ करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्विटर पर पोस्ट करके, इस तरह से? मायावती जी, देखिए मायावती जी की पॉलिटिक्स करने का तरीका था, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देती ही नहीं थी, वो तो एक अपना लिखकर लाई में वो पढ़ देती है वहां पर, तो वो कॉन्फिडेंस देखिए कि वो घबरा नहीं रही है प्रेस से कि भाई हमें पढ़ने, वो पढ़ रही है अपना बता भी। मायावती जी ट्विटर के ऊपर बहुत बाद में आई है, कोई उनकी पॉलिटिकल ऐसा कोई विंग है ही नहीं, मतलब आधिकारिक विंग नहीं है कोई भी बीएसपी का, जिसे वो पॉलिटिकल जैसे वो बोलते हैं, अब भाजपा का भी सपा का हो सकता होता है, तो मायावती जी वैसे नहीं है। अब आप देखिए टाइमिंग देखिए, बिहार के अंदर वहां पर वहां की सरकार ने अपना वो जातीय समिति जनगणना शुरू कर दी है, अब मायावती जी भी आने वाली है उसी पॉलिटिकल एरिना में, ये आप ऐसा मत समझिएगा कि ये बहुत अभी शुरुआत हुई है, सायरन बजा है बस, अभी तो शुरू होना है काम, और बहन जी इस काम में बहुत माहिर है, और लेकिन बहन जी की एंट्री से फायदा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भाजपा का होने वाला है। ये खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए है। रीजन क्या है, जो हिंदुत्व का कोर वोट बैंक है, जैसे मायावती जी का जो कोर वोट बैंक है वो कभी हला ही नहीं था, उसको मायावती जी चाहती थी ट्रांसफर कराती थी, ऐसे ही हिंदुत्व का जो कोर वोट बैंक है वो कहीं नहीं हिला है। अभी जो मायावती जी नुकसान करने वाली है ये कांग्रेस का करने वाली है या समाजवादी पार्टी का करने वाली है, इसी वजह से जब अपना राहुल गांधी ने सबको बुलाया है कि आइए आप मेरी भारत जोड़ो यात्रा में आइए, ना समाजवादी पार्टी आई ना ही बसपा का, तो मतलब था ही नहीं, तो इसी वजह से नहीं आए थे। ये नुकसान इन्हीं दो पार्टियों का होने वाला है, इससे भाजपा को खतरा नहीं है, भाजपा को तो उल्टा बल मिलेगा। चलिए हमारे साथ सुरेश चंद्र जी जुड़ चुके हैं, बीएसपी के नेता हैं। सुरेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। शुक्रिया सर। सुरेश चंद्र जी, आज बड़ा फैसला लिया गया है आपकी पार्टी की तरफ से, और ये कहा गया है कि अब जो भी चुनाव होंगे बड़ी ये मतलब मजबूती के साथ लड़े जाएंगे और अकेले चुनाव लड़े जाएंगे। एक बात नहीं समझ में आ रही थी कि काशीराम जी का जो मास्टर स्ट्रोक था, अगर हम उसका जिक्र करें तो मुलायम सिंह के साथ का गठबंधन का ही उनका मास्टर स्ट्रोक माना जाता था, और अब जिस तरीके से बहन जी कह रहे हैं कि वो किसी के साथ नहीं लेंगी ना किसी के साथ जाएंगी, वोट फीसदी का भी हम बात कर रहे थे, 93 के बाद 22 में सबसे निचले स्तर पर आप हैं, और ऐसे में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आप अकेले, और किस दावे के साथ की जा रही है, क्या नई रणनीति बनाई जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से, ये जरा दर्शकों को बताने की कोशिश करिए आप। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को माने बहन जी के जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी, और मंगल कामना करता हूँ कि माने बहन जी ने जो आज अपनी बात कही है उसमें 100% कामयाब होंगे, और जहां तक आपने ये कहा कि कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, कौन सी आइडियोलॉजी होगी, तो उसके लिए देखिएगा हम लोग अपने समाज में जाकर के समझा रहे हैं लोगों को, और 1993 का जो जिक्र किया या 96 का जिक्र किया, तो आपने देखा होगा 2008 में हम कहीं और भी जगह पर थे, 2007 में हमने सरकार बनाई, फुल फ्लेज सरकार बनाई थी, तो उसी तरह की मेहनत, और हम लोग समझा भी रहे हैं, हम लोग समझा भी रहे हैं कि भाई माननीय बहन जी ने जो काम किए हैं इस देश में, विकास के लिए काम किए हैं, जो सबसे पहला अगर देखा जाए तो ताज एक्सप्रेस वे हमने बनाया, माननीय बहन जी की सोच थी, और यदि मैं इतनी भी बात और आगे कहूं तो हज हाउस भी मेरे इस्लाम मत के लोगों के लिए सबसे पहला अगर किसी ने बनाया तो माननीय बहन जी ने बनाया, और यहाँ तक अगर मान लीजिए नसीबुद्दीन सिद्दीकी जी अगर धोखा दे गए, और आज यदि मान लीजिए मेरे इस्लाम मत के लोगों ने जो सपा को वोट दी अभी पिछले चुनाव में, तो वो आज पछता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी इस विषय में सोच रहे हैं, तो इस तरह का हम लोग अपने समाज में जाकर के उनको सर्व समाज में जाकर के हमने सर्व समाज के कल्याण के लिए काम किया है उसे याद दिलाएंगे, वही टेक्नोलॉजी है, हम लोग पदाधिकारी हैं पार्टी के और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम नहीं, करते ये हैं। जो आप इतने सारे काम बता रहे हैं गिना रहे हैं, आप जाएंगे कैसे, आपकी कार्यकर्ता नेता तो एक एक टूट करके सब बाहर चले गए, और आपके चाहे हम जो भी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर तो कभी दिखते नहीं है, जनता के बीच में कभी दिखते नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, सपा के क्या टूट करके नहीं गए, कांग्रेस के टूट करके नहीं जाते, नहीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस तो जमीनी स्तर पर चलिए ठीक है उतरती है, बीजेपी का मुखर विरोध करती है, बीजेपी की तरह का जो भी विरोध किया जा रहा है भाई वो करती है, तमाम सारी कमियां गिराई जाती हैं, लेकिन बीएसपी का मुझे कोई नेता और कार्यकर्ता कभी मिलता नहीं सड़कों पर।
नहीं, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और मैं दिल्ली प्रदेश का प्रभारी की हैसियत से भी बात कर रहा हूँ आपसे। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी, आज भी हमने माने बहन जी का जन्मदिन अपने 7 लोकसभा क्षेत्र पर, दिल्ली प्रदेश में जो 7 लोकसभा क्षेत्र हैं, हमने सभी लोकसभा क्षेत्र पर माने बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस। तो वो बीजेपी तो इतना शानदार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, लगातार इतने सारे काम कर रही है, और आप कैसे बीजेपी को लेकर के आप आएंगे, स्टैंड करेंगे, क्या मुद्दे लेकर के आएंगे? बीजेपी तो कह रही है कोई मुद्दे हमने छोड़े नहीं विकास को लेकर। डॉक्टर साहब हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं, मैं तो आज 3-4 जगह पे बोला भी हूँ, यहाँ तक कि हम तो आदमी के रूप में हैं इस देश में, तो जो पशु हैं उनको भी बेरोजगार बना दिया है। उदाहरण के लिए मैं आपको जिक्र कर देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप जाकर के देखिएगा, किसानों के खेतों को गाय और जो सांड है और जो भैंसा है, ये लोग भी फसल को उजाड़ रहे हैं। तो हम उनको उसी चीज को अपने समय के शासन को याद दिला रहे हैं जनता को। और चूंकि मैंने जो बेरोजगार की बात कही, पहले किसान गाय पालता था, भैंस पालता था, वो बच्चे के रूप में अगर बछड़ा देते थे या देते थे, वो बड़े होते थे तो उनको बैगा भैंसा बुग्गी में चलाते थे और यहाँ तक के बैल को हल में चलाते थे। आज वो काम नहीं है, और जब वो काम नहीं है तो बेरोजगार हो गए, तो अब किसान तो खिलाएगा कहाँ से, तो फिर वो उनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जनता के बीच ले जा रहे हैं, और हम मुस्लिम समाज को भी बात कर रहे हैं। और माननीय काशीराम साहब का आपने जिक्र किया, मानवर काशीराम साहब ने गठबंधन की बात नहीं कही थी, उन्होंने ये भाई 93 में अगर साथ नहीं आते, 93 में अगर साथ नहीं आते तो मुझे नहीं लगता था कि उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना इतना आसान था आप लोगों के लिए। डॉक्टर साहब सुनिएगा, मेरे मानवर काशीराम साहब ने कहा कि मौका मिले तो, और ना मिले तो बनाओ, मौका मिले तो भुनाओ, ना मिले तो बनाओ। तो उस दौरान हमको मौका मिला उनके और साथ में सरकार बनी सपा और बसपा की, और जब सपा के लोगों ने अपना दूसरा रूप धारण किया तो फिर वो टूट गया, साथ टूट गया। आजकल डेट वहां पर दोबारा भी हुआ था, पिछली बार भी हुआ था सपा के साथ में, तो मेरे से सवाल जवाब किए गए थे कि क्या सपा के जो मान्य बहन जी ने कहा कि भाई वो गुंडे तत्व तो हैं, वो हैं, तो मैंने वहां पर कहा था कि आदमी के हालात और ख्यालात बदलते रहते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा किसी भी तरीके से डॉक्टर मनोबल टूटा नहीं है। ठीक है, हम ख्यालात को ख्यालात बदले हैं, और हालांकि हालात भी बदले हुए हैं। ठीक है कंचन जी, आते हैं सुरेश जी आएंगे सेकंड राउंड में आपके पास आएंगे। कंचन जी देखिए, बड़े आरोप है भाई, रोजगार है नहीं, और किस तरीके से किसानों की बड़ी समस्याएं हैं। अब ये बीएसपी कह रही है कि हम नए तेवर में, और ये बात परमवीर जी भी कह रहे हैं कि दरअसल ये जब अखाड़ा में एंट्री मारता है पहलवान तो उसके पहले कुछ वार्म अप करता है ना, तो ये वार्म अप समझिए, बीएसपी का ये वार्म अप है पहला। चुनाव के टाइम पर जब भी चुनाव आए और वार्म अप देखने को मिले तो ये जान जाने के चुनावी चीजें हैं। तो जब चुनावी होता है तो जनता भी इस बात को समझ जाती है कि चुनावी लोग हैं, और चुनाव में तो वैसे भी कहते हैं ना कि देखो ना कहीं कोई दबाव पर दबाव है क्या, लगता है चुनाव है क्या। तो चुनाव तो चुनाव में ये सब लोग खड़े हो जाते हैं, चुनाव के टाइम पर होर्डिंग पोस्टर बोर्डिंग सब होने लगता है, तो ये चुनाव की चीजें जनता भी समझती है। खैर, लेकिन मैं मायावती जी के चीजों पर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं, किस प्रकार के वो काम करेगी, जनता उनका जवाब उनको देती रहती है, और आगे जो भी वो कार्य करेंगी तो उनका जवाब वो मिलेगा। हम चाहेंगे ही कि वो बिल्कुल भी उभर करके सामने आए, और ऐसे आलस्य से काम नहीं चलता है, या फिर किसी भी प्रकार से अगर आप कहीं से गिरे हुए हैं या जनता के बीच नहीं है तो आपको जनता के बीच जाने की आवश्यकता है। बाकी अभी मैंने सुना विनय जी ने बहुत प्रकार की बातें कही, वो कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। मुझे लगता है कि वो संविधान तो छोड़ो, वो शायद अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी नहीं मानते, तो किस प्रकार का वो अपमान, संविधान तो उनके बस की बात है ही नहीं, संविधान को वो क्या मानेंगे। बाकी मुझे एक भी उदाहरण
अगर उनके पास ऐसा हो कि हम भीमराव अंबेडकर जी के चीजों का अपमान कर रहे हैं, उनका अपमान कहीं हमारे द्वारा हुआ है। पहले तो समझने का प्रयास कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पहले तो उनके नाम को आप सही लीजिए। आप संविधान को कहां मानते हैं? आप जब लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते तो आप संविधान को कहां मानेंगे? आपने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, आपने लोकतंत्र का माखन उड़ाया है। जाहिर सी बात है, आप संविधान को नहीं मानते, इसीलिए आपने लोकतंत्र का माखन उड़ाया है। लेकिन संविधान की पाठशाला का चालीसा बंद कीजिए, झूठ की पाठशाला का चालीसा बंद कीजिए। जो जनता के मुद्दे है उस पर बात कीजिए। आप लोग के पास एक ही चीज है, आप झूठ की पाठशाला के छात्र हैं। आप क्या झूठ की पाठशाला के जो शीर्ष नेता है, आपके शिक्षक है, आप झूठ की पाठशाला का आकर के आपको चालीसा पढ़ना रहता है? जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। आप कहते हैं भगवान होता ही नहीं, पत्थर कहीं रख दो, भगवान तिलक लगा दो, भगवान बन गया, इसका क्या मतलब है? तो जो लोग आस्थावान नहीं है, जो लोग निधिवान नहीं है, जो लोग संपत्तिवान नहीं है, संपत्ति मतलब हृदय की भावना नहीं है जिनके अंदर की, वो लोग बात कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र को समझते हैं, वो धार्मिकता को समझते हैं, वो सम्मान की बात कर रहे हैं। अभी मैंने सुना विनय जी ने पहले के टाइम पर सम्मान की बात कही, किस प्रकार का वो सम्मान अपने पिता को देते थे, ये बात अखिलेश यादव जी के सामने खुद मुलायम सिंह जी ने कहा, तो ये अपमान सम्मान और आपको संविधान की। ठीक है कंचन जी, कंचन जी, ठीक है कंचन जी, अब आपको यहाँ पर रोकेंगे। ठीक है कंचन जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे। विनय जी आएंगे आपके पास, विनय जी आएंगे आपके पास। फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीएसपी बाउंस बैक करने की क्या रणनीति बनाई है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसको होने वाला है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, और सीधा रुख करेंगे विनय सिंह का। विनय सिंह देखिए, अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लेकर के भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, मुस्लिम वोट बैंक, अभी तक ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से जो वाक्या हुए हैं उनके बाद से अब वो जाए तो जाए कहां? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पुराने पैटर्न पर, हमने बाउंस बैक इसलिए कहा कि पुराने पैटर्न पर दलित मुस्लिम इन वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद करेगी, कोशिश करेगी बीएसपी? और अगर ऐसा होता है, एक बार फिर से एक मुहिम छेड़ी जाती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो समाजवादी पार्टी का ही फिर दिखने लगा, जिस तरीके से परमवीर जी कह रहे हैं कि बीएसपी अब सक्रिय होने जा रही है फिर से, उसके मुताबिक देखिए मैं एक चीज बता दूं। हाँ, अभी कंचन जी बोल रही थी, मैं वहां से शुरू करूंगा। हाँ, माननीय नेताजी, हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय नेताजी, दलित वंचित पिछड़े शोषित समाज के सर्वमान्य नेता ही नहीं, उनके आदर्श हुआ करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के मुस्कुरा रही है, प्रवक्ता ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को बार बार चैनल पर बोल करके देखिए, वो यह समाज जानता है, यह समाज जानता है कि आप इस समाज के कितने, इस समाज के लिए आपने कितने कार्य किया, इस समाज को भारतीय जनता पार्टी देखना नहीं चाहता। वही बहन जी की बोलिए विनय जी आप बोलिए कंचन जी एक सेकंड आते हैं रही बात बहन जी की दलित वंचित पिछड़ा शोषित समाज जितना भी है, यह सब जानता कि बहन जी ने कब कब खड़े होकर के समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। आज जो लड़ाई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी से, जो इन समाज को
खत्म कर देना चाहता है या चाहता है, इसने वही क्रूज मिसाइल उसका उदाहरण है, या चाहते हैं कि अडानी अंबानी इस देश में आयस कर सके, उनके लिए ये प्रदेश बना है, तो ऐसे समाज को ये खत्म कर देना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यह समाज किस तरह से जानता है, इस समाज की अगुवाई में समाज की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा सड़क पर खड़ा होकर के सदन से लेकर के सड़क तक हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। और बहन जी आपने देखा है किस तरीके से पिछले चुनाव में अभी जहाँ पे जो भी विधानसभा का चुनाव हुआ उनका प्रदर्शन कैसा रहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सारे अपने प्रत्याशियों का चयन किया था, लेकिन पूरा समाज यह कहीं न कहीं 22% से 36% पे अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती है तो कहीं न कहीं ये विश्वास रखिए, इस समाज का विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ आज ही है कल ही रहेगा, क्योंकि यह समाज जानता है कि उसकी लड़ाई अगर कोई मजबूती के साथ लड़ सकती है ऐसे संविधान विरोधी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करने वाली पार्टी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है तो ऐसी समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी अपने माफियाओं अपने प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ता है, इसने लोकतंत्र का इस तरीके से क्यों हरण किया ये पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश ने देखा है। अगर हरी बात काम की, अगर हम बात करें मुद्दों की, तो आज महंगाई बेरोजगारी किसान युवा खूब परेशान है, आज हम बताइए महंगाई कितने चरम पर है, आज किसान अपने फसल उठा नहीं पा रहे हैं, इनके जो है भारतीय जनता पार्टी के चले ठीक बनाए हुए नियम है उसके आवारा पशु कहीं न कहीं किसानों के फसल को नुकसान कर रहे हैं, युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है आते हैं विनय जी आएंगे आ रहे हैं, दोनों लोगों को रोकेंगे कंचन जी विनय जी दोनों लोगों को रोकेंगे किसी की बात समझ नहीं आएगी, आ रहे हैं ठीक नहीं आते हैं दोनों लोगों को रोकेंगे विनय जी और कंचन जी दोनों लोगों को रोकेंगे, परमवीर जी के पास आए लेकिन उससे पहले सुरेश चंद्र जी का एक कमेंट ले लेते हैं, ठीक है रुक जाइए भाई, अरे कहीं नहीं भाई अब फिर वही बात, कंचन जी एक सेकंड रुकिए, कंचन जी आप रुकिए भाई, दोनों लोगों की आवाज बंद कर दीजिए। देखिए सुरेश जी एक बड़ा सवाल यह है कि 2012 के बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो गिरता गया, बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सक्रियता वो घटती गई लगातार, हालांकि 17 में भी घटी लेकिन 19 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद आप 10 सीट लेकर के जरूर आए, लेकिन बाद में हुआ वही जो चुनाव से पहले सियासी पंडित उम्मीद लगा रहे थे और चर्चा भी चल रही थी कि चुनाव के बाद दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे और उसके बाद अलग हो जाएंगे, हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या बीएसपी प्रमुख मायावती उस सियासी मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई हैं जहां पर काशीराम जी जिन कुछ नेताओं को चमचा की उपाधि दिया करते थे, वो चाहे हम रामविलास पासवान जी का कहें या फिर जगजीवन राम जी का हम नाम लें, दोनों नेताओं को लेकर के काशीराम जी की यही पृष्ठभूमि थी, उनका यही कहना था कि ये चमचे हैं, ये दलित होते हुए भी दलित होकर के मुख्य धारा में राजनीति की मुख्य धारा में हैं, बावजूद इसके बहुसंख्यकों के पीछे ही काम करते हैं, उनके पीछे ही लगे रहते हैं, क्या मायावती जी अब भी उस माया के मोह में हम कहें या फिर कोई और कारण कहें, आज स्थिति वहीं पर आकर के बन खड़ी हुई है। देखिएगा बड़ी स्पष्ट बात है, आपने एक बात याद दिलवा दी हमको, हाँ, कि जो बाबूजी जगजीवन राम का बात कहा या रामविलास पासवान का बात कहा, आज रामदास अठावले भी तो हैं, हाँ,
आज वो भी तो हैं, और सही मायने में आपने तो याद दिलवाया वो रामविलास पासवान को ठाकुर का ठप्पा कहते थे उस दौरान के शब्दों में, और देखिएगा आज हम इन झंझटों में नहीं पड़ रहे। नहीं, सवाल वही है, ठीक है, सवाल वही है कि क्या खुद मायावती जी वहां पर आकर के नहीं स्टैंड कर रही है? सुनिएगा सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ, जब देश झुलस रहा हो, धार्मिक आग में झुलस रहा हो, तो क्या समाज को एक साथ झोंक देना विद्वानता होगी? और पॉलिटिक्स और मिशन में आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है, एक सामाजिक उत्थान का आंदोलन भी है जो हमारे संत महापुरुषों ने किया है। तो आज हम वही तो संदेश दे रहे हैं लोगों को कि देश उन्नति का सही राज केवल आंदोलन को आप लोगों ने छोड़ दिया। ना 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 ना, कौन कहता है, कौन कहता है आंदोलन को आप लोगों ने छोड़ दिया? सर सर मेरी बात सुनिएगा, आज आज अगर वंचित समाज, शोषित दलित वंचित समाज अगर कहीं ना कहीं परेशान है, सुनेंगे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? माननीय बहन जी ने समाज की खातिर उसकी आवाज उठाने पर जब रोका गया संसद में, तो माननीय बहन जी ने संसद छोड़ दी। कभी बाबा साहब ने छोड़ा था, जब हिंदू कोर्ट बिल पर बहस चल रही थी, इन्होंने नहीं माना था, तो बाबा साहब ने भी संसद को छोड़ा था, और आज माननीय बहन जी ने भी संसद को छोड़ा। तो क्या हमने वो आंदोलन छोड़ दिया? कौन कहता है? आपको दिखाई, आंखों के ऊपर जो चश्मा लगा है ना, उससे दिखाई नहीं दे रहा है। विनय जी देखिए, आप सवाल कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं सुरेश जी। हम बोले ये तो पूरा प्रदेश जानता है, अगर ये आंदोलन नहीं छोड़े होते, अगर बीजेपी के पीछे नहीं खड़े हुए होते, स्वच्छ प्रचार कहीं ना कहीं बीजेपी हार चुकी होती। अरे भाई मेरी बात सुनिएगा, आप लोग भले बात जानते हैं, विद्वान लोग, हम तो गठबंधन की बात किए थे। अरे मेरी बात सुनिए, झूठी बात, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वंचित शोषित समाज जो है उसके उत्थान के लिए आंदोलन को उन्होंने छोड़ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी अगर बाबा साहब का अपमान कर ले रही है, अगर संविधान का माखोल उड़ा ले रही है, तो कहीं न कहीं इस आंदोलन से ये लोग पीछे आ गए। समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ रही है, हमेशा इस समाज के भलाई के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी ही होती रही है और समाजवादी पार्टी ही रहेगी। लोगों को हम समझा रहे हैं कि संविधान समझाने से नहीं होता, करने से होता है। अभी तक आप सड़क पर दिखे नहीं, कर रहे हैं, अभी तक आप सड़क पर दिखे नहीं, कर रहे हैं, कर रहे समझाने से नहीं होता, करने से होता है। अरे सर, भलाई के लिए दिखाया है, लोगों के मुद्दों से खेल को लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है। कुछ ऐसा हुआ जनता पार्टी कैसी, लेकिन वो परमानेंट नहीं, पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। अरे सर, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गलत वोट रखा है। मैं कोई हवाई गाड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। मैं फर्जी लड़ाई को लड़ने के लिए केवल समाजवादी पार्टी सड़क पर है। हमारे जल प्रशासन में ये जो जितने आईएएस आईपीएस थे, ब्यूरोक्रेट थे, आज किसी की सुनते हो नहीं सुनते हो, ठीक है, हमारे शासन में ये हनुमान चालीसा पढ़ते थे, ठीक है, जय 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 हनुमान गुसाई मायावती से जान बचाई, उस तरह का अनुशासन प्रशासन में हमें बखूबी चिंता जानती है। तो पुनः हमने, अरे आपके नेता भी बहुत सारे बयान देते थे, क्या क्या कहते थे, और उसके बाद बयान पलट करके क्या उन्हीं जिन मुझे बताओ जिनको गाली देते थे उन्हीं के जाके पैर छूने लगे, फिर ठीक है, आ रहे हैं, आएंगे आएंगे सुरेश जी, आएंगे आपके पास आएंगे सुरेश जी, ठीक है जी। परमवीर जी, वही सवाल आपसे है कि देखिए, बड़ी बात यह है कि 2007 से 2012 तक बीएसपी सुप्रीमो ने पूरा कार्यकाल चलाया, उत्तर प्रदेश की मुखिया रही, लेकिन उसके बाद से लगातार बीएसपी का जो जनाधार था वो घटता गया, गिरता गया। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी स्टैंड की, आई 10 सीटें लेकर के, और उसके बाद फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन अब सवाल आकर के वही खड़ा होता है, क्योंकि जो मिशन था बाबा काशीराम जी का, जो मिशन से भटकते हुए नजर आई मायावती, आंदोलन आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, सुरेश जी आएंगे, आंदोलन की बात अभी सुरेश चंद्र जी की,
मुझे तो कोई आंदोलन नहीं याद कि बीएसपी मुखिया ने अब कोई आंदोलन चलाया हो या कोई जनता के बीच में उन्होंने जाने का काम किया हो या जाती हो उनके दुख दर्दों को सुनती हो, दलित को सुनती हो, किसी पिछड़ों को सुनती हो, कहीं भी जाती हो, ऐसा हमने कहीं तस्वीर देखी नहीं। कोई और गया आ रहे हैं, आ रहे हैं सूरज जी, आ रहे हैं आपके पास। और उसके बाद क्या ये सच है कि माया के मोह में मायावती जो है अब काशीराम जी का जो ख्वाब था, जो सपना था, वो तोड़ती नजर आ रही है? ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नजर आता होगा या और लोगों को आता होगा? नहीं, मैंने पूछा है सुरेश चंद्र जी, मैंने पूछा है, विनय जी, परमवीर जी जवाब दे रहे हैं, मैंने वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों पर उनकी नजर रहती है, तो मैं उनसे। हाँ जी, तीनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा मैंने एक चीज देखी है, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को कोट किया जा रहा है बार बार। हाँ। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, मैं उस बातों में थोड़ा सा वहां से लाना शुरू करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा एक व्यक्ति विशेष की पूजा है। जब भी पार्टियां अपने नेताओं की पूजा करने लग जाएगी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, भले वो केंद्र की पार्टी हो, हमारे प्रदेश की दो पार्टियां हो, वहां पे सुप्रीमो है, कोई कुछ है, अपनी अपनी औहदे बना दिए गए हैं। और जैसे राजा के नाम पर चक्रवर्ती राजा, सम्राट राजा, ऐसा लगा जाता ना, तो नेताओं के पीछे सब पार्टियों ने लगा दिया है, तो पतन तो वहीं से शुरू हो गया था। बार बार बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, डॉक्टर अंबेडकर का ये रचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर अंबेडकर ने ही कोट किया हुआ है कि अगर इस संविधान का गलत उपयोग मुझे दिखाई देगा तो इस संविधान को फाड़ के फेंकने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा, ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। तीसरा, अभी एक डॉक्टर अंबेडकर का मेरे सामने मेरे मोबाइल में निकाला था कि जब बार बार डॉक्टर अंबेडकर को आपको कोट किया जा रहा था, वो लिखते हैं, इतिहास गवाह है, जब भी नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच में संघर्ष हुआ है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। यहाँ पर बात क्या है, नैतिकता क्या कहती है कि आप पॉलिटिकल नंबर गेम को छोड़िए, आप लोगों के विकास की बात कीजिए, तो लोगों के विकास की नैतिकता छूट गई पीछे, अब अर्थशास्त्र जीतेगा। जो आपने कहा कि माया आ गई बीच में, जैसे अंबेडकर साहब का एक और कोट भी है कि महात्मा आए और गए लेकिन दलित वही रह गए, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जब अडानी अंबानी की पूजा होगी तो हावी होगा ना, हमारा कुछ लेना देना नहीं है सर। देखिए, इस देश के उद्योगपति है, नैतिकता नैतिकता जब खत्म होती है तभी तो पूंजीपतियों का की पूजा होती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता नहीं है। नहीं विनय जी सुन लीजिए, विनय जी सुन लीजिए, देखिए परमवीर जी सारी बातों को लेकर कह रहे हैं, वो किसी पार्टी को विशेष पार्टी को छुपा के कह रहे हैं। नहीं नहीं, छुपा के कहा कह रहे हैं भाई, उन्होंने केंद्र का भी नाम लिया, ठीक है। आज आज अगर अर्थशास्त्र की पूजा हो रही है तो कहाँ हो रही है, यूपी के अंदर हो रही है, यूपी के अंदर निवेश आ रहा है, सड़कें बन रही है, उत्तराखंड के अंदर हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, तमिलनाडु के अंदर हो रही है, या तो एक प्रक्रिया है, किसी की भी सरकार होती है, बनती है, तमाम ऐसे काम है आपको गिना देंगे कि अभी समय समाप्त हो जाएगा, हमारे काम की लाइन नहीं खत्म होगी, तो काम तो समाजवादी पार्टी है, तो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता को ताक पर रख करके पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता को ताक पर रख करके पूंजीवादियों को बढ़ावा दिया है। आज किसानों के लोन माफ नहीं हो रहे, अडानी अंबानी के लोन माफ हो रहे हैं, अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि हमने इस्तीफा क्यों दिया था, आपने उन्हीं का होगा उनको प्रेशराइज़ कौन सी ने? अच्छा, एक पार्टी के नाम बता दीजिए विनय जी, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती हो, नैतिकता पे चलती हो, कोई एक पार्टी का नाम बता दीजिए, जो ये मूर्तियां लगती हैं, वो चाहे भीमराव अंबेडकर जी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो चाहे आप लोहिया जी का जिक्र करें, या फिर आप किसी भी जो महापुरुष हैं, किसी का भी आप जिक्र कर लीजिए, आप केवल इनकी जयंती पर जाकर के इनके चरणों पर पुष्प अर्पित कर देंगे, माल्यार्पण कर देंगे, लेकिन पदचिन्हों पर कौन पार्टी चल रही है आज? ये तो अगर कोई कह देगा कि हम चल रहे हैं तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं होगा मुझे लगता है। सुन
को लीजिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जो लोहिया जी कहा करते थे उनके पद चिन्हों पर चल करके ऐसे समाज जो आज कहीं न कहीं वंचित है, भारतीय जनता पार्टी ने जिनका शोषण कर रखा उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोहिया जी क्या करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से आपने देखा नहीं है कि पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए आज 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 हवाई अड्डे बेच दिया, रेल बेच दिया, ये धीरे धीरे देश के सारे सुन लीजिए, हमने इसलिए कहा था विनय जी रुक जाइए, हमने सभी पार्टियों के लिए कहा था, केवल आपके लिए नहीं कहा था, अब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ लोहिया जी कहते थे, लोहिया जी ये भी कहते थे ये गोरखावादी लोग हैं। नहीं, मैंने सभी के लिए कहा है, कोई किसी के पद चिन्ह पर नहीं चल रहा है, केवल नाम को भुनाया जा रहा है, नाम को केवल भुनाया जा रहा है, कोई किसी के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, देखिए आप ये बताइए, जिस तरीके से आज दलित और पिछड़े समाज के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के ऊपर, वंचित शोषित जो किसान है, ये जितने लोग हैं इनके समाज के ऊपर ये अटैक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए ठीक है, अच्छा विनय जी रोकेंगे आपको, कंचन जी आपको भी रोकेंगे, एक सेकंड विनय जी, कंचन जी आप दोनों लोग रुकिए, दोनों लोगों को म्यूट करिए, सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं 10 सेकंड में, सुरेश जी आप कहिए कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ तक बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने की बात है, तो बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल के लिए संसद छोड़ा था, माननीय बहन जी ने छोड़ा, और 1984 से पहले की बात करें, लड़ने की बात कीजिए, 1984 से पहले नहीं है, बसपा के भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आपके सामने खड़ी है, कि जो देश को संस्कार को तहजीब को खत्म कर देना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म देना चाहती है, ठीक है, देखिए सच्चाई वही है विनय जी, आप विनय जी, कंचन जी, सुरेश जी, आप तीनों लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है जो अभी मैंने कही, तो एक बार फिर से कह दूंगा, ठीक है, चलिए जो आप लोगों का सियासत का काम है, सियासत करना, राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टी है, राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, ये भी बड़ा सवाल उठता है, इसलिए आप सभी लोग अपनी अपनी जो रणनीति है उसको बनाइए, और सत्ता काबिज होने की सभी की कोशिश होती है, वो किसी एक दल की नहीं होती है। मायावती जी भी अब जो कदम उठाने जा रही है, देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कदम कितना कारगर साबित होता है और क्या अगला कदम उनका होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश की आज राजनीति में ये एक बड़ी खबर मानी जा रही है, क्योंकि बीएसपी की मुखिया जिस तरीके से मायावती ने बड़ा ऐलान किया है कि दरअसल वो आने वाले चुनाव में वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर बीएसपी की ऐसी क्या रणनीति है जो अकेले चुनाव लड़ने की ठान ली है, और आने वाले समय में ऐसी कौन सी रणनीति बना रही है जो बीएसपी अपने आप को बेहद मजबूत करने का दावा कर रही है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, नमस्कार।